देश की आन बान शान का प्रतीक भारत का ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, कुछ इसी जज्बे के साथ अशोक विहार के सिंधी पंचायत धर्मशाला में सिंधी समाज के साथ मिलकर सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस के लिए हमारा सबसे गणतंत्र दिवस आज हमारे समाज के अंदर और सिंधी पंचायत के अंदर यह आज हुआ है। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो श्री भारत वतवानी जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फेडरेशन पंजाबी समाज खुशीपुर पंजाबी समाज सबको मिला के यहाँ पर सबको एकत्रित करके जो ये प्रोग्राम किया है, इस मौके को यादगार बनाने और इस उपलक्ष्य में कुछ अलग करने की सोच का श्रेय कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अशोक विहार सिंधी समाज के प्रेसिडेंट भरत वातवानी को जाता है। यही वजह है कि अशोक विहार सिंधी समाज गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करता है। कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भी देखने को मिला, जब गणतंत्र दिवस की खुशियों के साथ प्रकाश पर्व भी मनाया गया। गणतंत्र दिवस है, उसके सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ पर अपने भरत वातवानी जी जो अपने सिंधी समाज के चेयरमैन अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आमंत्रित हैं और हमारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने शिरकत की, जिसमें वजीरपुर पंजाबी समाज और वजीरपुर विधानसभा आरडब्ल्यूए एसोसिएशन के सदस्यों की भूमिका प्रमुख रही। ऐ समाज करके सब जुड़न का बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा हाथ लगा है। ऐसे बड़े प्रचारक लक्ष्मी चंद मकरानी जी, भरत वतवानी जी, वतवा परिवार, सारे परिवार, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम जेड़ा कि सारे हिंदुस्तान ये संदेश देते हैं कि असी सब लोग चाहे किसी भी समाज को बिलोंग करते हो एक ही हैं और बहुत ही बढ़िया लगा ये प्रोग्राम देख के। यूं तो पूरा देश गणतंत्र दिवस के इस मौके को देश का संविधान लागू किए जाने के दिन के रूप में मनाता है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को सही मायने में बरकरार रखने में इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का ताना बाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैमरामैन शमी बेदी के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।